कंगना रनौत और जया बच्चन बॉलीवुड की ये दोनों ही एक्ट्रेसेस अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। भले ही दोनों की विचारधारा अलग हो, लेकिन एक्टिंग के दम पर दोनों ने अपनी बॉलीवुड में एक अलग जगह बनाई है। ये हर किसी को पता है कि कंगना और जया बच्चन दोनों में ही 36 का आंकड़ा है। दोनों ही एक दूसरे पर कई बयानबाजी कर चुके हैं। थाली में छेद वाली बात तो आपको याद ही होगी। जब कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर कई खुलासे किए थे, तब जया बच्चन को गुस्सा आ गया था और उन्होंने राज्यसभा में थाली में छेद वाली बात बोलकर सबको चौंका दिया था। वहीं अब जया बच्चन ने एक इवेंट के दौरान सरेआम कंगना को इग्नोर कर दिया। बता दें कि हाल ही में अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, परिणीति चोपड़ा और नीना गुप्ता जैसे कलाकारों से सजी फिल्म ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग में अक्षय कुमार, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, कंगना रनौत, भाग्यश्री से लेकर तमाम बड़े स्टार्स पहुंचे। लेकिन इस दौरान हुआ कुछ ऐसा कि फैंस की नजरें बस एक ही वीडियो पर टिक कर रह गई। ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग में जया बच्चन कंगना रनौत को साफ इग्नोर करती नजर आ रही, जिसे देख फैंस ने तुरंत नोटिस किया और कमेंट्स की बारिश करना शुरू कर दिया। वह एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन कंगना रनौत के साथ गले लगते तो हंसी मजाक करते दिख रहे हैं। इस दौरान अनुपम खेर सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। हरी साड़ी में बेहद खूबसूरत अंदाज में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन पहुंची, वहीं उनके पीछे कंगना रनौत भी नजर आ रही है। जहां एक और पेपराजी कंगना कंगना चिल्ला रहे थे, तो वहीं जया बच्चन एक्ट्रेस को साफ अनदेखा करती नजर आई। कंगना जया की तरफ देखती भी है, लेकिन जया उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है और भाग्यश्री के गले लगती है। जया बच्चन और कंगना रनौत का ये वाक्या वीडियो में कैद हो गया। कंगना के सामने जया बच्चन काफी देर तक खड़ी नजर आती हैं। वो भाग्यश्री से मिलने के बाद अनुपम खेर से भी मिलती हैं, लेकिन कंगना को अनदेखा कर देती हैं। इस वीडियो में कंगना के हाव भाव देख भी आप यही कहेंगे कि जया बच्चन ने एक्ट्रेस को इग्नोर किया। कंगना रनौत और जया बच्चन के इस वाक्य पर फैंस ने जमकर रिएक्ट किया। वैसे ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जया बच्चन कंगना संग हुई लड़ाई को भूल नहीं पाई है। बात करें ऊंचाई की, तो फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में सलमान खान डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के हाथ थामे पहुंचे, वहीं अक्षय कुमार ने भी इस दौरान शिरकत की। बताते चले कि ऊंचाई 11 नवंबर 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। देखने वाली बात अब ये होगी कि अमिताभ और अनुपम की फिल्म ऊंचाई बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाती है या नहीं। वैसे कंगना और जया बच्चन से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।